अमित शाह आज पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक के लिए ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे। बैठक के बाद उन्होंने भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें नागरिकता कानून को लेकर मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष संशोधित नागरिकता कानून पर झूठ क्यों फैला रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि CAA के जरिए किसी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं ली जाएगी, क्योंकि ये कानून नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वी भारत के विकास के दरवाजे खोले। कांग्रेस पिछले 55 साल में जो करने में विफल रही, उसे हमने 5 साल में कर दिया। आप भी सुनिए भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। स्तंभ खड़ा कर आज दुनिया के सामने खड़ी है। मित्रों, लोकसभा चुनाव के बाद मैं पहली बार ओडिशा आया हूं। मैं दो हाथ जोड़कर उत्कल जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि हमें 8 सीटों पर विजय देकर 21% जो पहले वोट मिला था, इसकी जगह 38.4% वोट देकर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का आपने समर्थन किया। नरेंद्र मोदी जी को जो 303 सीटें मिली, उसमें हमारे 8 सांसद हैं। इतना नहीं, पूरे पूर्व में मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए माहौल बनाने में ये महान उत्कल प्रजा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बार बार प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं। इतने सालों की यात्रा में पहली बार आज कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल से नीचे उतरी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता आज एक विपक्ष के नेता के रूप में विधानसभा में बैठकर ओडिशा की जनता की आवाज बना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये अभियान भुवनेश्वर कार्यकारिणी से शुरू किया, मीडिया में चर्चा थी कि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। हमारे नेतृत्व का करिश्मा और ओडिशा की जनता का मोदी जी पर भरोसा था, जिसने देखते देखते भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत ताकत बनाकर यहां खड़ा कर दिया है। 91 लाख वोट हमें मिले, नवीन बाबू का 1.1 करोड़ वोट, हमारा 91 लाख वोट। मैं आपको बताता हूं, एक ही जंप लगाने की जरूरत है, ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा के लिए फहर सकता है। मित्रों, विधानसभा में भी हम आगे बढ़े हैं। 37,000 बूथों में से 14,000 से ज्यादा बूथों में हमने बढ़त बना दी है। लगभग 95 बूथों में हम दूसरे नंबर पर रहे हैं और ये सारा यश जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ तक फैले हुए कार्यकर्ता और ओडिशा की महान जनता को जाता है। मित्रों, आज मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। ओडिशा के विकास के लिए, पूरे पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किया है, मैं आज इस मंच पर से कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देना चाहता हूं। आपके 55 साल हमारे 5 साल, हिसाब कर लो, हमारा पलड़ा भारी। 5 साल में ओडिशा की हर जाति के लिए, हर जिले के लिए, हर क्षेत्र के लिए, चाहे समंदर हो चाहे वनांचल हो, हर क्षेत्र के लिए मोदी जी ने विकास के रास्ते खोले हैं। जिला खनिज फाउंडेशन, कृषि ऋण में बढ़ोतरी, रेलवे बजट के अंदर विक्रम बढ़ोतरी, रोड के पूरा नेटवर्क, पीएम आवास योजना के लिए ढेर सारा फंड, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के माध्यम से 47,50,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देना, सौभाग्य योजना के तहत 20,000 गांवों में पहली बार बिजली पहुंचना, 8,96,000 परिवार इनके घर में बिजली पहुंचना, गरीब परिवारों के लिए जन औषधि केंद्र, पेट्रोलियम के लिए ढेर सारा इन्वेस्टमेंट, भद्रक में टेक्सटाइल पार्क, ST/SC/OBC के लिए बहुत बड़ा बजट, लगभग 3 करोड़ 24 लाख लोगों को
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ता अनाज देना, पाई का स्मारक ओडिशा के गौरव को खड़ा करने की आधारशिला रखना, 41 लाख लोगों को मुद्रा बैंक से लाभान्वित करना, ढेर सारे काम किए हैं। और मैं थोड़ी समरी आपको दे दूं, भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस के नेता सुन रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूं, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 13वें वित्त आयोग में कुल मिलाकर 79,000 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने दिया था 5 साल के अंदर, और 14वें वित्त आयोग में 14 से लेकर 19 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा को 80,000 करोड़ की जगह 2,11,510 करोड़ रुपया दिया है और 3 लाख करोड़ की अन्य योजनाएं दी है। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ओडिशा के विकास के लिए किस प्रकार का कमिटमेंट है। और अब दूसरे 5 साल उत्कल जनता के आशीर्वाद से मोदी जी को मिले हैं। मैं आपको मोदी जी के प्रतिनिधि ये नाते विश्वास दिलाने आया हूं कि पूर्व का पिछड़ा क्षेत्र और विशेषकर मेरा ये उत्कल राज्य सबसे अच्छा राज्य बने, इस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार से दशकों से गुजरात का विकास हुआ, उसी प्रकार से इस खनिज से संपन्न राज्य में हर घर, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र, हर गांव का विकास करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। मित्रों, आज मैं आया हूं तब नरेंद्र भाई ने अपनी दूसरी टर्म में मोदी 2 में एक बहुत बड़ी योजना लाए हैं, देश के हर घर में 2024 के पहले स्वच्छ पीने का पानी नल के द्वारा पहुंचाने की योजना नरेंद्र मोदी लाए हैं। मेरा इस योजना का अभ्यास है, मैं ओडिया वासियों को कहना चाहता हूं, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर कोई एक राज्य को होने वाला है तो ये मेरे ओडिशा वासियों को होने वाला है, क्योंकि आज भी यहां पर 30% से ज्यादा जनता के पास नल से शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंचता है। मैं आज आपको मोदी जी का संकल्प जो है वो बताने आया हूं कि 2024 के पहले हरेक ओडियावासी के घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करने वाली है। मित्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं, तब सीएए के लिए भी जरूर बात करूंगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 70 साल से अटके हुए कई सारे इश्यू, कई सारे प्रश्न जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, राष्ट्र की संवेदना के साथ, राष्ट्र की जनता की इच्छाओं के साथ जुड़े थे, उसको हाथ में लिया है। मुझे बताओ, हजारों की संख्या में आप हो, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? और जोर से बोलो, जो विरोध कर रहे कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके बहरे कानों तक आवाज पहुंचे, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? मित्रों, 5 अगस्त को वो ऐतिहासिक दिन था, हमारा कश्मीर जो हमेशा के लिए धारा 370 के कारण हमसे अलग थलग दिखता था, वो कश्मीर को भारत माता का मुकुट बनी बनाने के लिए 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना है। यहां हजारों ओडियावासी, मैं आपको पूछना चाहता हूं, भाई बताओ, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.